हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। और आप लोगों के सामने है एक एक्सेलरेटर सीरीज़ के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की, जिसके ऊपर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है और क्या हम लोगों को उसके अंदर करना है। बच्चों देखिए, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की। बच्चों, हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं स्टूडेंट, और देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आपके सामने पूरा क्वेश्चन यहां पर मौजूद है। चलिए, हम लोगों को निकालना है कि एज्यूम दैट थीटा इज सो स्मॉल, ठीक है, थीटा इज सो स्मॉल दैट टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू साइन थीटा, देन फोर इक्विलिब्रियम एक्स इज इक्वल टू। ये प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करनी है। बच्चों देखिए, अगर पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी तरीके का कोई भी मोशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यह है कि चारों डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है बच्चों, हमें ये देखना है कि यहाँ चारों डायरेक्शन में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कितने हैं और कैसे काम करेंगे। चलिए, अभी हम अपना ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, पहले अपनी बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए देखते हैं कि इलेवेंथ क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा और कैसे उस इलेवेंथ क्लास के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये बॉल आपको दी गई है या बॉब आपको दिया है, जिसके ऊपर क्यू चार्ज है। मैंने लेट किया कि इसका मास जो है वो एम है, तो एम मास की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा जो कहलाएगा मास इंटू ग्रेविटी, कहलाएगा मास इंटू ग्रेविटी। देखो इसके बाद, ठीक है, यह है स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग एक टेंशन काम करेगी बच्चों टी। समझ आ रही होगी बात आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों फोर्स का 12 से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल, हम लोग 11th क्लास मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। बॉडी पर मास की वजह से यानी ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स नीचे काम करेगा, मास इंटू ग्रेविटी, टेंशन आने वाली है अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए स्टूडेंट, भाई मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल आपको थीटा दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो ये एंगल भी स्टूडेंट हमारे पास में हो जाएगा थीटा। यहाँ पर टेंशन टी है, एंगल थीटा है, तो ये बनेगा टी कॉस थीटा, कंपोनेंट जब मैं ब्रेक करूँगा बच्चों इसके, और ये बनेगा मेरे पास में टी साइन थीटा। हमने जब इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक किया ना स्टूडेंट, तो रिजल्ट हमारे पास में ये निकल कर आया, नीचे काम करेगा मास इंटू ग्रेविटी, स्ट्रिंग के अलोंग काम करेगी टेंशन टी, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, यहाँ काम करेगा टी कॉस थीटा और यहाँ काम करेगा टी साइन थीटा। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। भाई मास इंटू ग्रेविटी तो बहुत ही बेसिक है, कोई भी जान सकता है यार। टेंशन काम करेगी अलोंग द स्ट्रिंग, थीटा थीटा, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये कंडीशन आएगी। अब आप देखिए बच्चों, ये जो चार्ज है अपने पास में ये प्लस क्यू है, ये भी चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कंडीशन में। ठीक है, देखो भले ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया है, क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम बहुत ही कम है बच्चों उसके अंदर। इसने इसके ऊपर रिपल्शन लगाया इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए बच्चों, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर ये जो सिस्टम है आपके सामने ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अपोजिट फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा फोर्स को। सो हम लोग लिखेंगे बच्चों टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये हमारे पास में दो इक्वेशन बनी बच्चों, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है। ठीक है, टी साइन थीटा ने बैलेंस किया एफ को, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और टी कॉस थीटा ने बैलेंस किया है मास इंटू ग्रेविटी को। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन।
जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, फोर से डिवाइड करेंगे एम जी को तो ये बनेगा एफ अपॉन एम जी। सो हम बच्चों बड़े आराम से बड़े प्यार से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास में बनने वाली है वो बनने वाली है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू टेन थीटा। ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू बनने वाली है। ये फोर्स कौन सा है बच्चों? ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को हम बनाएंगे कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे बनाएंगे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को दो चार्ज चाहिए और चार्जेस के बीच का गैप चाहिए। एक चार्ज है हमारे पास में Q, दूसरा चार्ज भी है हमारे पास में Q, और उनके बीच का जो गैप है वो है हमारे पास में X। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चार्ज और उनके बीच का गैप चाहिए स्टूडेंट। दोनों चार्ज हमारे पास में है Q और Q, और इनके बीच का जो गैप है वो भी X है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। अब चूंकि आपको x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा, ठीक है। आप यहाँ से स्क्वायर को हटाकर यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी इक्विलिब्रियम सिस्टम में बच्चों, इतनी हमारी x की वैल्यू निकल कर आने वाली है स्टूडेंट इक्विलिब्रियम सिस्टम में। हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसे कैसे। देखो उसने कहा है कि ये जो tan थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के इक्वल है, यानी हम लोग tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों sin थीटा से, tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा से, और sin थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन 2l। ये पूरा x है x बाय टू और ये l, सो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय टू अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग बच्चों पुट कर सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा और साइन थीटा को ये, सो हमारे पास में रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और यहाँ बनने वाला है x अपॉन 2l, ठीक है। आप चाहो तो 2l को ऊपर ले जा सकते हो और x को यहाँ ले जा सकते हो। तो ये बनेगा x टू दी पावर 3 q स्क्वायर 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। इधर से क्यूब रूट लगा सकते हो, इधर से आप लोग क्यूब हटाकर उधर क्यूब रूट लगा सकते हो, तो ये आपकी x की वैल्यू निकलेगी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है बच्चों, और हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी आगे से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी टेन थीटा। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।